नमस्ते दोस्तों, दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पतंजलि आयुर्वेद के CMD आचार्य बालकृष्ण जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कल ऐलान किया था, उसी के विषय में आपसे आज चर्चा करेंगे। दोस्तों उन्होंने बताया कि जो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल्स वो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स पे कर रहे थे उसकी जो सक्सेस रेट है वो 100% है, यानी 100% रहा है। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी हम सभी के लिए खुशखबरी है कि आयुर्वेदिक औषधियों से जितने भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स है वो पूर्णतः ठीक हुए हैं। यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि पतंजलि ने 3 महीने पहले ही जो उनकी साइंटिस्ट की कोर टीम है पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में, उनको लगा दिया था कि वो जो मूल जो आयुर्वेदिक औषधियां थी उसमें से फाइटोकेमिकल्स को निकाल के उन्होंने पता किया था कि कौन सी औषधियां हैं जो इसमें कारगर रहेंगी। उन्होंने इन विट्रो वगैरह सिमुलेशन के थ्रू चीजें बताई थी जो इसमें रिसर्च भी की थी, और मैंने भी वो वीडियो बनाया था जो डिलीट कर दिया यूट्यूब ने, आप जाके कम्युनिटी ऐप में देख सकते हैं, उसके विषय में मैंने बता दिया है। लेकिन अभी 3 हफ्ते पहले जब पतंजलि को क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल्स करने का मौका मिला तब उन्होंने उन जो भी औषधियां रही होंगी उनको उन पॉजिटिव पेशेंट्स पे, जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स उस पर लगाया, और जो हमारा सक्सेसफुल रेट रहा है वो है 100%। किसी की भी कोई कैजुअलिटी फेटलिटी नहीं हुई, सब लोग पूर्णतः ठीक हुए हैं, और 70-80% लोग केवल 5 या 7 दिन में अच्छी तरह से ठीक हो गए, बाकी लोग 12 दिन में, लगभग सारे ही लोग 14 दिन के भीतर भीतर ठीक हो गए हैं। दोस्तों यहां पर मैं आचार्य बालकृष्ण जो एग्जैक्ट वर्ड्स कहे वो भी आपको बताना चाहूंगा कि हमारी औषधियां लेने के बाद 5 से 14 दिन में 70-80% जो मरीज थे कोरोना पॉजिटिव से वो ठीक हुए, और वो पूर्णतः नेगेटिव आए टेस्ट में, और इसीलिए वो हमें सुनिश्चित कर रहे हैं कि इसका इलाज आयुर्वेद से पूर्णतः संभव है। और आने वाले 4 से 5 दिनों में जो पूरा एविडेंस है उन क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल्स का कि कौन से वो पेशेंट्स थे, क्या उनकी कैटेगरीज थी, उनका एज ग्रुप क्या रहा होगा, किस तरह के सिम्टम्स के बेसिस पे वो रहे होंगे, और उनको एग्जैक्टली कौन सी औषधियां दी गई और उन्होंने पूर्णतः रिकवर वो हुए, इसके विषय में सारी जानकारी आने वाले 4 से 5 दिनों में मिल जाएगी, तो उसका भी हम सबको इंतजार रहेगा। यहाँ पर इस तरह की बातें आचार्य बालकृष्ण ने बताई कि कैसे उन्होंने शुरू में सिमुलेशन वगैरह करवाया था PRI के थ्रू, और बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट्स मिले हैं, 100% फेवरेबल रिजल्ट्स मिले हैं। दोस्तों बहुत ही एक पॉजिटिव खबर आ रही है। आज मैंने स्वामी रामदेव जी का, मैं इंडिया TV पर भी उनका एक वीडियो देख रहा था जहां वो कोरोनिल की बात कर रहे थे कि गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी आदि का काढ़ा वो दिखा रहे थे। संभव तो यही औषधियां होंगी, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि जब एग्जैक्ट न्यूज आ जाएगी तब इस चीज को पूर्णतः वो भी बताएंगे, और इस विषय पे ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है बिकॉज शुरू से हम लोग कह रहे हैं आयुर्वेद का क्या योगदान इसमें होने वाला है, और अब पतंजलि ने ये करके दिखा दिया है। सारे ही पेशेंट्स पूर्णतः आयुर्वेदिक पद्धति से ठीक हुए हैं। अब देखते हैं आने वाले 4 से 5 दिन में वो एग्जैक्ट औषधियां कौन सी होंगी, क्या उसका नाम होगा, क्या उसकी कैटेगराइजेशन होगा पेशेंट्स के बेसिस पे, सारे डेटा हमें मिल जाएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को सभी तक पहुंचा दीजिए, जो भी होगा देखा जाएगा, और इस तरह की चीजें चलती रहती हैं, और जो वीडियो डिलीट हुआ उसके विषय में भी आप सब जानते हैं क्या मामला है। मैंने कुछ ऐसे ही जो साइंटिफिक रिसर्च थी उसी पे बनाया था, उस विषय पे मैंने कम्युनिटी टैब में स्पेशली बता दिया है, आप जाके चेक कर लीजिए, मुझे कोई उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा करते हैं आयुर्वेद से बहुत ही अच्छी खबर कुछ ही दिनों में हमें प्राप्त होगी। ओम नमस्ते।